आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे आज डिएगो मैराडोना की। बहुत दुखद खबर आ रही है, डिएगो मैराडोना शानदार प्लेयर, प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड मिला था, इनका निधन हो गया। 60 साल के थे दोस्तों। देखिए इनको हमेशा से प्रॉब्लम रही है, प्रॉब्लम क्या, हेल्थ इश्यूज हमेशा से रहा है, मोटे रहे हैं ये, एल्कोहल लेते थे, ड्रग एडिक्शन भी था इनको, बट क्या गजब के प्लेयर थे। मुझे नहीं लगता ये जो गोल को जिस तरीके से असिस्ट करते थे ना, जैसे आज आप देखते हैं मेसी को, वो गोल करे ना करे लेकिन गोल को जिस तरीके से पास करते, जो अपॉर्चुनिटी देते हैं वो शानदार है। 1986 में जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ उसका जो फाइनल गोल था, क्योंकि अर्जेंटीना ने 1986 का वर्ल्ड कप जीता था, मैराडोना कैप्टन थे, फाइनल गोल वेस्ट जर्मनी के खिलाफ मैच था और वो पास ऑन किया कि सीधा गोल पड़ा, क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया, दोनों गोल मैराडोना ने किए। गजब के प्लेयर थे, कहते ना फुटबॉल के भगवान, वो थे डिएगो मैराडोना। इसीलिए तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द सेंचुरी और फीफा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी इनको मिला है कि भैया सबसे बेहतरीन प्लेयर। तो बहुत दुखद खबर है दोस्तों, मैराडोना का देहांत हो गया। हमारी तरफ से इतने बड़े प्लेयर को एक ट्रिब्यूट। आपको बता दूं कि अर्जेंटीना में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक है, ये इतना बड़ा इनका कद काठी थी और पूरी दुनिया सकते में है। 2020 तो वैसे ही बहुत खराब जा रहा है, बहुत लोगों को हमने खोया है। ज्यादा उम्र नहीं थी दोस्तों, 60 साल के थे ये। हार्ट अटैक हुआ अर्जेंटीना में, ब्यूनोस आयरस में इनको हार्ट अटैक हुआ और उनका देहांत हुआ। आपको बता दूं अक्सर लगता है कि ये स्पोर्ट्स खेलने के लिए बहुत लंबा चौड़ा होना चाहिए। अगर आप इतिहास देखें, बास्केटबॉल को अगर छोड़ दें, तो जितने भी महान प्लेयर हुए ना उनकी कोई हाइट बहुत ज्यादा नहीं है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, बहुत खुशी होगी आपको, डिएगो मैराडोना वाज ओनली 5 फीट 5 इंचेस, 5.5 फीट के थे, बहुत छोटे थे ये। और छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मजाल है इनके सामने कोई टिक जाए। 5 लोग खड़े होते थे घेर के, सबको काट के निकल के गोल मारते थे, ऐसा था इनका, डरते थे भैया ये अगर सामने आ गया तो हम तो गए काम से। शानदार प्लेयर, हम इनकी बायोग्राफी को देखेंगे, हमारा ट्रिब्यूट है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिएगो अर्मांडो मैराडोना फ्रांको, इनका जन्म जो है वो 30 अक्टूबर 1960 में हुआ था। बहुत गरीब परिवार में जन्मे थे दोस्तों। आपको बता दूं कि ब्यूनोस आयरस में ही इनका जन्म हुआ था और जहां पे ये रहते थे इनका बचपन जो है वो विला फ्लोरिटो में गुजरा है। वो ऐसी जगह थी जो बहुत डेवलप्ड नहीं थी, देखिए 1960s 70s दुनिया डेवलप कर रही थी, साउथ अमेरिका में वैसे ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, कहीं तख्ता पलट हो रहा है, कहीं अमेरिका की CIA अपनी एकदम सीक्रेट ऑपरेशन चला रही है तख्ता पलट, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। अर्जेंटीना भी गरीबी की चपेट में था, ऐसा नहीं अर्जेंटीना बहुत ज्यादा डेवलप्ड था, तो वहां पे प्रॉब्लम हो रही थी, ड्रग्स का कारोबार भी। फिर एनीवे खैर वहां उसमें हम नहीं जाते हैं, वो एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा। अब दोस्तों एक गरीब परिवार में जन्मे थे, 6 बच्चे थे इनके माता पिता के, ये चौथे थे, 3 बहनें थी, 2 भाई थे। इनके जो 2 भाई हैं यूगो और रोल, दोनों ही छोटे, दोनों ही फुटबॉल प्लेयर, तो फुटबॉल का एक तरीके से परिवार में शौक था। अब इन्होंने कब फुटबॉल खेलना शुरू किया, ये देख सकते ना, छोटे से मैराडोना 8 साल की उम्र में इन्होंने फुटबॉल खेलना अपना करियर शुरू कर दिया 8 साल की उम्र में। अब ये वहां का जो लोकल क्लब था उसके लिए फुटबॉल खेल रहे थे। देखिए फुटबॉल में 2 चीजें होती हैं, एक तो आप अपनी नेशनल टीम के लिए खेलते हैं और एक आप क्लब्स के लिए खेलते हैं। क्लब्स के मैचेस आपने देखे होंगे और ये क्लब्स जो है वो प्लेयर्स को खरीदती हैं। तो दोस्तों इन्होंने अपना करियर जो है वो 8 साल की उम्र में ही शुरू किया। अब वहां पे ये लोकल क्लब के लिए खेल रहे थे। अब एस्ट्रेलो रोजा जो था, जो क्लब था वहां पे खेल रहे थे ये, एक कोच ने इनको देख लिया, वहां पे जो स्काउट था उन्होंने इनको खेलते हुए देखा। अब देखिए फ्रांसिस्का कॉर्नेजो, ये इनके सबसे पहले कोच थे, वो बताते हैं, उन्हीं की जबानी आप सुनिए, जब डिएगो को मैंने खेलते हुए देखा और अर्जेंटीना जूनियर्स में ये आया, हम लोग शॉक्ड हो गए थे कि इतना छोटा बच्चा इतनी बेहतरीन तरीके से फुटबॉल खेल रहा है, बड़े बड़े पानी भरते हैं इसके सामने, जैसे एडल्ट लोग बॉल को टैकल करते हैं वैसे ये टैकल कर रहा है और कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, प्योर टैलेंट, शियर टैलेंट। हमने इससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई आईडी कार्ड है, इसके पास नहीं था, लेकिन हमको पता था कि ये लड़का इतिहास रचेगा और इसने इतिहास रचा।
अब दोस्तों इन्होंने अर्जेंटीना जूनियर्स के लिए सबसे पहले खेलना शुरू किया। अब ऐसा है, इनका जो प्रॉपर करियर है वो 1976 से स्टार्ट हुआ। हालांकि जब ये 12 साल के थे, देखिए क्लब में तो शामिल हो गई है, 12 साल के जब ये थे तो हाफ टाइम जब होता था फुटबॉल में तो जो स्पेक्टेटर्स बैठे होते थे उनको ये बॉल से अपना टैलेंट दिखाते थे, नई नई टेक्निक्स दिखाते थे ताकि स्पेक्टेटर्स जो है वो एंटरटेन रहें, और वो सब के सब उनका मुंह खुला का खुला रह जाता था कि यार ये क्या कर रहा है, क्या जबरदस्त लड़का है ये छोटा सा। 1976 में इनका करियर जो है वो शुरू होता है। हम पहले इनके क्लब करियर की बात करते हैं। इनका डेब्यू मैच जो था वो 10 अक्टूबर 1976 में हुआ। 16 साल की उम्र में इन्होंने अपना डेब्यू मैच खेला, लेकिन उसमें इन्होंने गोल नहीं मारा, लेकिन जिस तरीके से बॉल को हैंडल किया जो ओपोनेंट्स थे ना, वो भी इनकी तारीफ करने से रह नहीं पाए। ओपोनेंट टीम ने भी ये मान लिया कि अरे लड़का बहुत आगे जाएगा। पहला गोल इन्होंने अगले महीने 14 नवंबर 1976 में किया। ये इनके करियर का पहला गोल था जब ये 16 साल के हुए, 16वां बर्थडे। पहला मैच इनका 20 अक्टूबर को, 15 साल के थे ये, 10 दिन बाद ये 16 साल के होने वाले थे। और दूसरा मतलब पहला मैच, हाँ ठीक है, और दूसरा मैच जो इन्होंने खेला उसमें इन्होंने पहला गोल किया। अब 1976 से लेकर 1981 तक, ये इनका डेब्यू मैच की तस्वीर है दोस्तों, आप देख सकते हैं ना, 1976 से लेकर 81 तक ये अर्जेंटीना जूनियर्स के लिए खेलते रहे। 1976 से लेकर 1981 तक 5 साल के लिए इन्होंने अर्जेंटीना जूनियर्स के लिए खेला। 167 मैचेस खेले जिसमें इन्होंने 115 गोल किए। अब बेटा पैसे की बरसात शुरू होगी। मैराडोना ड्रग एडिक्ट थे, यस ही वॉज ड्रग एडिक्ट। 2004 तक इन्होंने कोकीन लिया। हुआ क्या, एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड प्लेयर 1981 में इनको करोड़ों अरबों रुपए मिलना शुरू हो गए। $4 US million का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, बॉका जूनियर्स के लिए खेलने गए। मैराडोना को ऑफर्स आ रहे थे, बहुत सारे क्लब से इनको ऑफर आ रहे थे, रिवर प्लेट ने भी इनको ऑफर किया था, लेकिन इन्होंने बॉका जूनियर्स के लिए खेला। $4 million का दोस्तों ये ट्रांसफर था। आप सुनते रहिए, कितने साल के हैं ये, सिर्फ और सिर्फ 21 साल के ये। 21 साल में आपके पास करोड़ों रुपए हैं। 20 फरवरी 1981 को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और उसके बाद इन्होंने डेब्यू किया। शानदार सीजन रहा। 3 साल 1981 से लेकर 84 तक ये बॉका जूनियर्स की, याद रखिएगा मैं ये क्लब करियर बता रहा हूं, ठीक है। अभी इंटरनेशनल करियर भी इनका 1977 से स्टार्ट हो गया था, वो भी हम बात करेंगे। तो शानदार इनका करियर रहा बॉका जूनियर्स के साथ। अब बेटा उसके बाद जब 1982 वर्ल्ड कप, देखिए वर्ल्ड कप की बात करें तो 1978 में अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप खेला, लेकिन डिएगो मैराडोना समय बहुत छोटे थे और इनको मौका नहीं मिला। इनको मौका मिला 1982 वर्ल्ड कप, 1982 वर्ल्ड कप में इनको मौका मिला, और जैसे ही वर्ल्ड कप में इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, तुरंत बार्सिलोना ने इनको अप्रोच किया। बार्सिलोना जो है वो स्पेन का क्लब है। अब ये रिकॉर्ड ट्रांसफर था, 5 million euro का दोस्तों बार्सिलोना का ट्रांसफर था, यानी कि $7.6 million। कितने साल के हैं ये, 22 साल के, मैंने शायद 1984 तक बोल दिया था, नहीं नहीं बॉका जूनियर के साथ ही एक ही साल थे। और फिर 1982 आते आते इन्होंने बार्सिलोना के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, €5 million, $7.6 का, बहुत ज्यादा पैसा। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने बार्सिलोना के साथ खेलना शुरू किया, रियल मैड्रिड को हराया, और अब दोस्तों इनका जो शानदार करियर है वो तो अपने चरम पे था ही, लेकिन एक और चीज हुई, कॉन्ट्रोवर्सीज। देखिए 1980s में ही इन्होंने ड्रग्स लेना जो है, और ये स्पेन में ही इन्होंने ड्रग्स की शुरुआत की थी, कोकीन लेना शुरू किया था, बहुत सारे पैसे आए तो कोकीन लेना उन्होंने शुरू किया था। एक मैच में तो दोस्तों ऐसा हुआ था कि मैराडोना और बिल्बोआ के बाद बीच मैच था 1984 में, दोनों टीम के प्लेयर्स आपस में लड़ने लगे 1,00,000 स्पेक्टेटर्स के सामने, लड़ाई होगी भयानक। मैराडोना ने प्लेयर को हेडर मार दिया, उसने लात मारी, दोनों ही टीम आपस में भिड़ गई, एक्सपेक्टेटर्स का मूड खराब हो गया और सारा सामान जो है वो फील्ड पे खेलने लगे। तो क्योटिक करियर था, देखिए फील्ड पे ऑन फील्ड नो डाउट बेहतरीन, लेकिन अपने प्लेयर्स के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं था अपने कोच के साथ। तो ये जो 1984 तक का ये सफर था, 3 साल तक का सफर जो बार्सिलोना के साथ था, वो बहुत अच्छा नहीं था। करियर वाइज बहुत बढ़िया था, गोल वोल सब किए, लेकिन एक होता ना जो रिलेशनशिप वो बहुत अच्छा नहीं था। अब दोस्तों हम देखते हैं कि बार्सिलोना के बाद इनका ट्रांसफर हुआ नेपोली में। बस
6.9 मिलियन यूरो, 10.48 US डॉलर। आप देख रहे हैं कि जब भी मैराडोना क्लब स्विच कर रहे हैं वो दुगने पैसों पे जा रहे हैं। और ये दोस्तों ये 1980 की बात है, जब पूरी दुनिया में कहीं तख्ता पलट हो रहा है, कहीं इकोनॉमी को खोला जा रहा है, कहीं बहुत ज्यादा गरीबी है, कहीं रिसेशन आया हुआ है। मैराडोना को उस समय इतने ज्यादा पैसे मिल रहे थे, 6.9 मिलियन यूरो का ये रिकॉर्ड ट्रांसफर था उस समय का। नेपोली जो कि नेपल्स का क्लब है, नेपल्स इटली में है ना, वहां का क्लब है ये, इन्होंने ज्वाइन किया। 5 जुलाई 1984 को ये नेपल्स पहुंचे और उस समय 75,000 फैंस ने इनका वेलकम किया। एक न्यूज़पेपर में खबर छपी थी, लोकल न्यूज़पेपर ने छापा था, पूरा देश जो है, पूरा शहर जो है वो थम सा गया है जब मैराडोना आए हैं। मेयर को भूल जाओ, स्कूल, हाउसेस, बस, एम्प्लॉयमेंट, सब चीज को भूल जाओ, लेकिन जब मैराडोना आ गए सारी प्रॉब्लम का समाधान हो गया। देखिए खेल यही करता है, कितनी भी आपको टेंशन हो वो खेल जो है ना सारी टेंशन बुला देगा। दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ स्पोर्ट, ऐसा है। अब दोस्तों फिर ये नेपल्स के साथ भी रहे और उसके बाद नेपल्स को इन्होंने बहुत सारी चैंपियनशिप भी जिताई। फिर दोस्तों देखिए क्लब्स के साथ इनके बहुत सारे, फिर इन्होंने अर्जेंटीना जूनियर्स के लिए, बोका जूनियर्स के लिए, बार्सिलोना, नेपोली, सेविल, ओल्ड बॉयज के लिए, सबके लिए खेला और क्लब करियर जो है इनका बहुत बढ़िया रहा, बहुत सारी चैंपियनशिप इन्होंने जीती। अब दोस्तों वही मैंने बताया कि इनका जो कोकीन का यूज है वो कंटिन्यूड हो गया। अच्छा एक चीज और बता दूं कि इसी दौरान क्या हुआ था दोस्तों, 1982 या 83 की बात है, इनके पैर में ना चोट लग गई थी, इनका जो पैर था उसमें चोट लग गई थी और इनको हेपेटाइटिस भी हो गया था। तो जो फैंस थे, जो एक्सपर्ट्स थे और जो क्रिटिक्स थे, सबने यही बोला कि शायद इनका करियर खत्म, लेकिन रिकवरी हुई और दोबारा ये फील्ड पे आए। अब एक तरफ तो इनका करियर बढ़िया जा रहा है, दूसरी तरफ बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज। 70,000 US डॉलर का इनके ऊपर फाइन लगा क्योंकि हद से ज्यादा कोकीन यूज करते थे, तो गेम्स नहीं खेल रहे थे। भाई क्लब ने तुमको क्यों साइन किया है, हमने तुमको पैसा इसलिए दिया है ताकि तुम हमारे लिए मैच खेलो, लेकिन तुम मैच नहीं खेल रहे हो, तुम नशा कर रहे हो और मैच मिस कर रहे हो। तो भाई 70,000 US डॉलर का इनके ऊपर फाइन लगाया और उसके बाद हम ये देखते हैं दिक्कतें हुई। लेकिन भैया जब मैराडोना फील्ड पे आते थे ना सब शांत हो जाते थे, किसी हिम्मत नहीं होती थी। तो ये तो क्लब करियर की बात थी, ये आप देख सकते हैं। अब हम इनके इंटरनेशनल करियर की बात करते हैं। इंटरनेशनल करियर की बात करें तो देखिए अर्जेंटीना की तरफ से इन्होंने 34 गोल दागे, 91 मैचेस खेले इन्होंने, 91 मैचेस खेले और 34 गोल दागे। 16 साल की उम्र में 1977 में इन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था, हंगरी के लिए इन्होंने मैच खेला था, लेकिन इन्होंने पहला गोल जो है वो उसके बाद दागा था, पहले डेब्यू मैच में इन्होंने गोल नहीं दागा था। 18 साल की उम्र में मैराडोना ने 1979 फीफा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप जो कि जापान में हो रही थी वो खेला। 1978 वर्ल्ड कप में इनको मौका नहीं मिला था और 1979 में परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। फर्स्ट सीनियर इंटरनेशनल गोल इन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ दागा था, 3-1 से टीम जीती थी, बहुत ही जबरदस्त, ठीक है। अब 1982 वर्ल्ड कप बड़ा यादगार रहा क्योंकि 1982 वर्ल्ड कप में ये इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि 1982 वर्ल्ड कप जो है वो जीत नहीं पाई अर्जेंटीना। सबसे बड़ा मौका आया 1986 वर्ल्ड कप। अब ये अपने करियर के पीक पे थे मैराडोना जो, और इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिला। अर्जेंटीना टीम के कैप्टन थे, अपने बेस्ट फॉर्म में थे मैराडोना और पता ही था कि हम तो वर्ल्ड कप जीतेंगे ही जीतेंगे। मेक्सिको में दोस्तों ये वर्ल्ड कप हुआ और इन्होंने शायद 5 गोल दागे थे कि आप देख लीजिएगा कि मतलब ऐसा था कि ही प्लेड एवरी मिनट ऑफ एवरी अर्जेंटीना गेम, स्कोरिंग 5 गोल्स। आपको बता दूं कि बहुत सारे गोल्स इन्होंने दागे। देखिए मैं उस समय, मुझे याद, मैं भूल गया एक्चुअली 1986 में इन्होंने, देखिए उस समय तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन 1986 में जब मैं पढ़ रहा था मुझे ध्यान नहीं है कि इन्होंने कितने गोल दागे, लेकिन इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिला था, गोल्डन बॉल मिली थी। जो 14 गोल अर्जेंटीना ने किए थे उसमें से 10 गोल को इन्होंने असिस्ट किया था। फाइनल जो मैच था वो वेस्ट जर्मनी के साथ, आपको पता है उस समय जर्मनी पूरी तरीके से सॉवरेन तो बना नहीं था, ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड था। तो मेक्सिको सिटी में, और जर्मनी हमेशा से बहुत ही तगड़ी टीम रही है, तो मेक्सिको सिटी में ये फाइनल हुआ, वेस्ट जर्मनी के खिलाफ मैच था फाइनल का। और जो फाइनल गोल भी इन्होंने दागा ना अर्जेंटीना ने, वो मैराडोना ने ही पास ऑन किया था। फिर क्वार्टर फाइनल मैच तो कोई भूल ही नहीं सकता, 2-1 की विक्ट्री ओवर इंग्लैंड, दोनों गोल मैराडोना ने दागे और नतीजा ये रहा कि मैराडोना को फीफा
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिला, गोल्डन बॉल मिली। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई थी इसी दौरान, इन्होंने हाथ से बॉल मार दी थी एक मैच में, तो उसमें भी खैर चलिए वो तो होता रहता है, कोई नहीं। तो मैराडोना ने बहुत सारे फिर मतलब ये जो वर्ल्ड कप था काफी सक्सेसफुल रहा, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि 1990 वर्ल्ड कप खेला, 1994 वर्ल्ड कप खेला, लेकिन उसमें इतना कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं। अब देखिए 1994 आते आते एज भी हो गई थी और थोड़ा सा दिक्कतें भी, मैंने बताया ना कि मैराडोना बहुत जल्दी वेट पुट ऑन करते थे, इनको मोटापे एक पॉइंट पे 2005 आते थे, इनका वजन 130 किलो हो गया था और हाइट भी इनकी कम है, तो इतना हाइट में, इतनी कम हाइट में अगर आप इतना ज्यादा वेट पुट ऑन कर लेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो फिर 1994 आते आते जो इनका करियर था वो अब नीचे जाने लगा, और फिर इन्होंने 1996 में रिटायरमेंट लिया। अब जब इन्होंने रिटायरमेंट लिया उसके बाद ये बहुत सारी टीम्स के मैनेजर रहे, बहुत सारे क्लब्स को इन्होंने कोच किया। 2008 में ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ये 1986 की ही तस्वीरें हैं, और इनके हाथ में वर्ल्ड कप है, मैराडोना की ही वजह से ये वर्ल्ड कप जीता गया था और बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि मैराडोना जो है वो अर्जेंटीना के कोच बने, नेशनल फुटबॉल टीम जो है ना 2008 में मैराडोना को कोच बनाया गया, लेकिन वहां पर भी कॉन्ट्रोवर्सी हुई, बीच में ही मैच छोड़ के आ गए थे, मतलब टूर्नामेंट छोड़ के आ गए थे, फिर बहुत सारे चैरिटी मैच भी इन्होंने खेले। ये कलकत्ता, देखिए कलकत्ता एक स्पोर्ट्स सिटी है, वहां पे आपको फुटबॉल के फैंस बहुत मिलेंगे। तो ये 2010 की तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं मैराडोना कोलकाता आए हैं, ठीक है, मी इन कोलकाता। तो बहुत सारे क्लब्स को इन्होंने कोच किया, दुबई क्लब की बात करें वहां पे ये गए, उसके बाद कुछ चैरिटी मैचेस भी खेले, इस दौरान काफी चैरिटी मैच भी खेलते थे, ठीक है। बेलरूसियन क्लब डायनामो ब्रेस्ट के ये चेयरमैन थे। फिर 2019 की बात करें तो 2018 से लेकर 2019 तक ये मेक्सिकन क्लब डेराडोस के कोच थे, और 2019 से जब तक मतलब अभी तक ये अर्जेंटीना का जो प्राइमरी डिवीजन क्लब है डी ला प्लाटा उसके भी कोच थे। तो लेटर करियर तो था, इन्होंने कभी ब्रेक नहीं दिया, ये सिखाते रहे, बहुत अच्छी बात है। 2000 में इनको फीफा ने प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का भी खिताब दिया, बहुत सारे खिताब मिले, पूरी दुनिया भर से इनको ऑनर मिले, और उसके बाद प्लेयर ऑफ द सेंचुरी भी मिला। साथ ही साथ 2000 में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी पब्लिश की, तो जो लोग चाहते हैं वो इनकी ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ सकते हैं, हालांकि मैंने इनकी ऑटोबायोग्राफी नहीं पढ़ी है तो मैं रिव्यू तो नहीं दे सकता, लेकिन मैराडोना ने लिखी है तो अच्छी ही होगी, ठीक है। अब इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें, देखिए पर्सनल लाइफ इन्होंने 1984 में, ये आप देख सकते हैं ये भी 2011 की तस्वीर है, देखिए कि यहां पे कितने मोटे लग रहे हैं, तो वेट पुट ऑन बहुत जल्दी करते थे। तो पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ तो देखिए 2008 में तो इन्होंने इनकी बनती क्या, वही मैंने बताया ना कि थोड़ा सा ये अल्कोहल, ये शराब बहुत पीते थे और अभी भी काफी शराब की आदत थी इनको, हालांकि 2007 में इन्होंने बोला था कि मैंने शराब बिल्कुल छोड़ दी है, क्योंकि इनको कई बार हॉस्पिटल जाना पड़ता था शराब की वजह से, ड्रग्स की वजह से। तो 2008 में भी इन्होंने रिजाइन कर दिया, इंटरनेशनल मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छा इनका नहीं रहा। साथ ही साथ पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी दो बेटियां हैं, 1984 में इन्होंने शादी की अपनी लॉन्ग टर्म फियांसे से, और 20 साल बाद 2004 में इनका डाइवोर्स हो गया, मतलब 20 साल बाद। हेल्थ इश्यूज भी इनको काफी रहे हैं जैसा कि मैंने बताया। फिर अभी की बात करें दोस्तों, देखिए कोच तो थे ही, करियर से इन्होंने कभी ब्रेक नहीं किया। अब दोस्तों देखिए 2 नवंबर को इनको सर्जरी हुई, ठीक है, अभी इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, इसी महीने की बात है, 2 नवंबर को इनकी सर्जरी हुई, मतलब 2 नवंबर में हॉस्पिटल में एडमिट थे ये, और फिर सर्जरी हुई क्योंकि इनके ब्रेन में ना ब्लीडिंग हो रही थी, तो इनकी सर्जरी हुई, सब कुछ ठीक था, 12 नवंबर को इनको रिलीज कर दिया गया, लेकिन अभी 20 नवंबर कल की ही बात है इनको हार्ट अटैक आ गया। तो दोस्तों जीवन का कोई भरोसा होता ही नहीं है, 60 साल के थे, कोई ज्यादा उम्र भी नहीं थी इनको, ज्यादा मतलब अब ऐसा तो नहीं था कि छोड़ के चले जाएं, तो इनको हार्ट अटैक आ गया। अब जब हार्ट अटैक आया, जब इनका डेथ हुई, कल इनकी डेथ हुई, मैराडोना जो है वो 60 साल के थे, ब्यूनोस आयरस में ही इनका देहांत हुआ, अपने घर में ही देहांत हुआ, तो पूरी दुनिया सकते में आ गई। मैं खुद सरप्राइज्ड हो गया कि अभी तो अच्छे खासे थे, एकदम से क्या हो गया, मेरा तो छोड़िए, डॉक्टर्स भी सकते में आ गए, वो खुद बताते हैं कि इतना बढ़िया रिकवर हो रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी, और जब इनका देहांत हुआ, सौरव गांगुली ने तो ये लिखा है कि मेरे हीरो, मेरे बचपन के हीरो अब नहीं रहे, मेसी ने, मतलब पूरी दुनिया ही ट्रिब्यूट दे रही है, ट्विटर पे तो बाढ़ आ गई है, ट्रेंड कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये अजीबोगरीब तरीके से बिहेव कर रहे थे, ये डिप्रेशन में भी थे, ये बताते हैं यहाँ पे जो इनके क्लोज रिलेटिव्स हैं वो बताते हैं कि एज की वजह से और प्रीवियस हेल्थ इश्यूज की वजह से मैराडोना को तो वैसे ही हाई रिस्क में डाला हुआ था इस पैंडेमिक में, और अभी कुछ 8 महीने पहले ये आइसोलेशन में ही थे, और ये बहुत मतलब इनका जो बिहेवियर था वो थोड़ा सा अजीब हो गया था,
ज्यादा लोगों के साथ नहीं रहते थे, इनफैक्ट अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में भी खाली आधे घंटे रहे, मरे हुए लोगों की बात करते थे और जो मतलब बताते थे कि मैं उनको बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूं। अब वैसे इनको पहले भी दो हार्ट अटैक आ चुके हैं, है ना, लेकिन ये वाला हार्ट अटैक जो था वो बहुत ही ज्यादा सीवियर था और हमने मैराडोना को खो दिया दोस्तों। सबके हीरो थे, ठीक है, कितने लोगों ने तो फुटबॉल मैराडोना को देख के, जो बड़े बड़े देख रहे हैं ना प्लेयर्स, रोनाल्डो हो गए, ये जिदान हो गए, जिदान तो खैर अब तो रिटायर हो चुके हैं, जिदान हो गए, रोनाल्डो हो गए, जिदान, हाँ जिनेदिन जिदान कमाल के प्लेयर थे, 14 साल के थे जब 1986 का वर्ल्ड कप था, इनको देख के ही उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। मेसी हो गए, कितने सारे प्लेयर्स हैं जो मैराडोना को आइडियलाइज करते थे और एक इतना बेहतरीन फुटबॉल कोच, एक टीचर और प्लेयर तो थे ही, वो हमको छोड़ के चला गया। तो फिलहाल ये लेक्चर था दोस्तों हमारा ट्रिब्यूट, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे, और ये बहुत बड़ा लॉस है फुटबॉल फ्रेटर्निटी को, शानदार प्लेयर थे ये, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।